स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्वाटिक एडेप्टेशन ऑफ फ्रॉग एंड फिश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो एक्वाटिक एडेप्टेशन के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो व्हाट आर द एडेप्टिव फीचर्स ऑफ फिश। तो यहाँ पे हम लोग फिश अगर एग्जाम में आता है टू राइट द एक्वाटिक एडेप्टेशन ऑफ फिश, तो उसमें तुम लोग लिख देना द फिश इज आइडेंटिफाइड एज लेबियो प्रोहिता, क्योंकि हम लोग को पहले आइडेंटिफिकेशन करना होता है कौन सा फिश हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई एग्जाम में अगर आता है द एडेप्टिव फीचर ऑफ फिश, तो उसमें लिख देना तुम लोग द स्पेसिमेन इज आइडेंटिफाइड एज लेबियो प्रोहिता, मतलब वो फिश ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया। अभी देखो व्हाट आर द एडेप्टिव फीचर, अगर देखो यहाँ पे अगर देखो बॉडी इज लेटरली कॉम्प्रेस, फिश का बॉडी अगर तुम लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो देखना बॉडी साइड से वो कॉम्प्रेस होता है। ठीक है, एंड स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब, स्ट्रीमलाइन का मतलब यहाँ पे अगर देखो फिश का जो हेड पार्ट और टेल पार्ट अगर देखो दोनों पार्ट क्या है थोड़ा बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड है और मिडिल पार्ट इज डायलेटेड पार्ट। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली बॉडी इज नैरोअर एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी इज वाइडर, दिस टाइप ऑफ बॉडी फीचर इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी फीचर। ठीक है, ये हो गया ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है इसका मेन पर्पस है हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन विद वाटर, पानी के साथ जो फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, उससे क्या होगा फिश का जो फास्ट स्विमिंग जो होता है वो मेंटेन होता है। हो गया, दूसरा अगर देखो इनकेस ऑफ फिश, अगर देखो फिश कॉन्टेन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी किया था 1 पेयर ऑफ यहाँ पे अगर देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिश विद इन पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो पेयर्ड फिश कौन कौन सा है, पेयर्ड फिश आर पेक्टोरल फिश एंड पेल्विक फिश। ठीक है, पेक्टोरल फिश एंड पेल्विक फिश आर द पेयर्ड फिश। क्लियर, तो अभी यहाँ पे अगर देखो ये जो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिश जो है इसका मेन पर्पस है जब पेक्टोरल एंड पेल्विक फिश का मूवमेंट होता है तो तब क्या होता है फिश कैन मूव फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड दे यूज पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन। हो गया, उसके बाद आता है देखो कॉडल फिन और टेल फिन। टेल फिन का यहाँ पे फंक्शन क्या है, ड्यू बाय द मूवमेंट ऑफ टेल फिन दे कैन चेंज देयर डायरेक्शन। ये हो गया दूसरा एडेप्टिव फीचर था। और एक एडेप्टिव फीचर अगर देखो व्हिच इज रिलेटेड टू फिन से अगर देखो यहाँ पे देखो डोर्सल फिन है, फर्स्ट डोर्सल फिन है, सेकंड डोर्सल फिन एंड देयर इज एनल फिन। तो दिस अनपेयर्ड फिन्स हेल्प्स टू स्टेबिलाइज द बॉडी, मतलब बॉडी पानी के अंदर देखना फिश कभी लेटे हुए स्विम नहीं करेगा, फिश मेंटेन देयर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो ये जो वर्टिकल बॉडी पोजीशन जो है वो मेंटेन कौन करता है, दिस वर्टिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज मेंटेन बाय द डोर्सल फिन। तो यहां पे देखो फर्स्ट डोर्सल फिन एंड सेकंड डोर्सल फिन एंड एट द सेम टाइम एनल फिन। तो दीज आर द फिन्स व्हिच हेल्प्स इन स्विमिंग और टू स्टेबलाइज योर बॉडी इन द वाटर बॉडीज। उसके बाद अगर देखो फिश का स्ट्रक्चर देखो द बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड बाय स्केल्स, यहां पे इमेज में शायद स्केल्स दिखाई नहीं दे रहा है तो नहीं है, बट हम लोग को ऑलरेडी पता है बॉडी इज कवर्ड विद स्केल। अभी ये जो स्केल्स जो है फिश का इसका मेन पर्पस है द स्केल्स ऑफ द फिश हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी या फिर एक्सटर्नल इंजरी। हो गया, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है गिल्स। तो यहाँ पे अगर देखो जैसे लेबियो प्रोहिता मतलब फ्रेश वाटर फिश जो है इसका कितना गिल्स होता है 5 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट फॉर देयर रेस्पिरेशन। उसके बाद और एक चीज अगर देखो फिश को हम लोग जब काट लेते हैं काटने के बाद देखना अंदर व्हाइट कलर का दो बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो एक्चुअली लांग्स नहीं है फिश, एक तो हम लोगों को पता है फिश के बॉडी में लांग्स नहीं होता। तो वो जो व्हाइट कलर का जो बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है एयर ब्लैडर। और ये जो एयर ब्लैडर जो है एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या है, दिस एयर ब्लैडर हेल्प और एक्ट एज हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन, मतलब फिश का जो बॉडी जो पानी के अंदर जो फ्लोट करता है जो फ्लोटिंग का जो प्रोसेस है वो कौन मेंटेन करता है, दिस स्विमिंग ब्लैडर। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक लाइन पूरा व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द अपर ग्लैंड से लेकर पूरा एंड एंड ऑफ द टेल, ये जो लाइन जो है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। ये जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन का फंक्शन क्या है, पानी में अगर किसी भी तरीके का हरकत होता है दे कैन सेंस द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंगली दे कैन एस्केप और अवॉइड
the adverse condition in external environment. तो ये हो गया adaptive features in case of labiorhynchus, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं the adaptive feature of fish, sorry frog. तो frog अगर जो हम लोग कौन सा animal को ऐसे specimen हम लोग select किया है, हम लोगों ने rana tigrina, scientific name is rana tigrina, ठीक है। तो frog का अगर देखो, they have spindle shaped body. Same spindle shaped body हम लोग already discuss कर लिया है, anterior and posteriorly मोटा होगा और middle part is wider. तो यहाँ पे अगर देखो body is spindle shaped, streamline, उससे क्या होगा and body is divisible into head, trunk and tail. ये तो हो गया body के बारे में. ये जो streamline body होता है which helps to reduce the फ्रिक्शन विथ वाटर मूव्स. उसके बाद हम चलते डिजिट्स ऑफ फोर लिम एंड हाइंड लिम जो है ये यहाँ पे देखो वेब दिखा है. तो यहाँ पे देखो फिंगर के बीच में क्या है, एक जाली और नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं वेब. तो डिजिट्स ऑफ फोर लिम एंड हाइंड लिम इज प्रोवाइडेड इन वेब. और ये जो वेब जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, दिस वेब हेल्प्स इन स्विमिंग, क्लियर. उसके बाद देखो इनका स्किन जो होता है मॉइस्ट होता है एंड स्मूथ which provide minimum resistance with water. एक तो water के साथ minimum resistance provide करता है, plus ये जो moist skin होता है, skin is also a type of respiratory organ. Then head जो होता है, head is pointed and triangular plus patent होता है, उससे भी water के साथ minimum resistance दिखाई देता है. तो उससे क्या होता है, frog का जो fast swimming होता है वो maintain होता है in water pools. Then frog का जो eyes होता है, eyes are covered with nictitating membrane. What is the membrane? Nictitating membrane. और ये जो nictitating membrane है, इसका main function क्या है? This nictitating membrane protect the eyes from external injury. फिर से repeat करता हूँ, ये जो nictitating membrane होता है, वो क्या करता है? Protect the eyes from external injury. So these are the few adaptive features of frog, मतलब rana tigrina, ठीक है? अभी तुम लोगों को क्या करना है? जो जो एडाप्टिव फीचर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कॉपी में डालना है एंड एट द सेम टाइम डायग्राम को भी कॉपी में उठाना है, ठीक है. तो ये हो गया हम लोग का आज का प्रैक्टिकल अबाउट द एक्वाटिक एडाप्टेशंस ऑफ फ्रॉग एंड फिश, क्लियर. और एक्वाटिक एडाप्टेशन में हम लोग का सिर्फ और एक ही मॉडल बाकी है, वो है व्हेल. तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग करेंगे अबाउट द व्हेल.